हाय फ्रेंड्स, डिड यू नोटिस सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे हमें नोट्स बनाने हैं 27 जून की और द हिंदू में। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट पेज पे एक न्यूज़ है बिल्कुल राइट हैंड कॉर्नर में जो शुरू हो रही है यूएस टॉप से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको ये प्रीलिम्स के लिए एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवल बैन जो इम्पोज किया है जो ट्रंप गवर्नमेंट ने किया था और उसके बाद वहाँ के जो यूएस की पार्लियामेंट उसे कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने जो रेटिफाई किया है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन पे रेटिफाई किया है? बेसिकली 5 इस्लामिक कंट्रीज हैं और एक कोरिया है। ठीक है, फिर चलते हैं इसी पेज पे। आफ्टर एंड से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये इंडिया और सेशेल्स से रिलेटेड न्यूज़ है। तो आपको नोट्स बनाने की डॉनियर एयरक्राफ्ट क्या है। ठीक है, जो DO 228 लिखा हुआ है ना, तो वो डॉनियर एयरक्राफ्ट है। तो डॉनियर एयरक्राफ्ट क्या है? ठीक है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, जिसे HAL भी बोलते हैं, तो HAL क्या चीज़ है? और ये रिलेटेड है GS पेपर 2 से। ठीक है, मेन से रिलेटेड है क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा इसका पार्ट मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 7 पे डायरेक्टली। पेज नंबर 7 पे एलिफेंटाइन थ्रेड से एक न्यूज़ शुरू हो रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेजर्स क्या होते हैं, यानी कि जो मैन और एलिफेंट में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, जैसे कई बार उसमें एलिफेंट्स जो हैं कई बार वो अटैक करते हैं मैन को, या कई बार क्या होता है कि रेलवे क्रॉसिंग्स पे जो है हम लोगों की जो मैन की बनाई हुई मैन मेड चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रेन होगी, ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा एलिफेंट्स जो हैं वो कई बार मारे जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, तो उसका रिजॉल्व करने के लिए, उन्हें सॉल्व करने के लिए मेजर्स क्या हैं। ठीक है, और ये जो न्यूज़ जिस बारे में है रीलोकेशन, ठीक है, तो ये पहले उत्तराखंड में हुई थी, अब यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्या है कि वो भी इट इज़ वन ऑफ द मेजर्स। ठीक है, आपको 4-5 मेजर्स और पता होने चाहिए। ठीक है, और राजा जी टाइगर रिजर्व की लोकेशन उत्तराखंड में कहाँ पे है, तो वो आपको मैप में देखनी है। ये GS मेंस पेपर 3 से रिलेटेड है क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है। फिर इसी सेम पेज पे एक NGOs ऑन से शुरू हो रही है न्यूज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसमें कुछ टर्म्स नहीं भी मैंशनड हैं, ठीक है, लेकिन उन टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में जो है ना ये न्यूज़ है। ठीक है, और जब आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे GS पेपर 3 से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको ये टर्म्स बिल्कुल पता होनी चाहिए। पहले है टेररिज्म फंडिंग, तो वो ये उन NGOs के बारे में ना जो नक्सलाइट्स को फंड कर रही हैं। ठीक है, और फिर रेड कॉरिडोर स्टेट्स क्या होते हैं। ठीक है, रेड कॉरिडोर में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि ये स्टेटमेंट किसकी थी कि रेड कॉरिडोर एक्सटेंड्स फ्रॉम पशुपति टू तिरुपति। ठीक है, अब चलते हैं इसी न्यूज़ में। नक्सलवाड़ी मूवमेंट की जो ना हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नक्सलवाड़ी मूवमेंट। अब सेम पेज पे बिल्कुल नीचे एक न्यूज़ है एयर पॉल्यूशन सेंसर्स से शुरू हो रही है जो। ठीक है, तो आपको नोट्स पता है किस चीज़ के बनाने हैं। फर्स्ट आपको बनाना है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या चीज़ है। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और फिर सफ़र क्या है। ठीक है, क्योंकि ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है इसलिए ये GS पेपर 3 से जो है ये GS पेपर 3 का टॉपिक है। अब चलते हैं पेज नंबर 8 पे। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट एडिटोरियल नहीं पढ़ना क्योंकि वो प्योरली पॉलिटिकल न्यूज़ है। ठीक है, ओनली एंड ओनली सेकंड एडिटोरियल पढ़ना है। ठीक है, सेकंड एडिटोरियल किसके बारे में, वो यूरेनियम कंटेमिनेशन के बारे में। यूरेनियम कंटेमिनेशन से क्या होता है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, CKD। ठीक है, तो क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या चीज़ है, इस बारे में आपको नोट्स बनाने हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए। और परमिसिबल लिमिट्स क्या हैं। ठीक है, तो परमिसिबल लिमिट्स क्या हैं यूरेनियम कंटेमिनेशन के, इंडिया में परमिसिबल लिमिट्स क्या हैं और WHO के जो लिमिट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है इसलिए ये GS पेपर 3 से रिलेटेड है। अब चलते हैं डायरेक्टली पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे रशियन सेंक्शन से एक न्यूज़ शुरू हो रही है। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि 2+2 डायलॉग जो है, 2+2 डायलॉग के बारे में आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको साथ ही साथ बता दूं कि ये इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आके आएगी तो आपको अपने आप टैब रखनी है इस चीज़ पे और अपडेट करते रहना है। ठीक है, 2+2 डायलॉग, वैसे मैं बता दूं आपको, इंडिया और यूएस का एक प्रपोज डायलॉग है जिसमें क्या है कि
दो मिनिस्टर हर एक साइड से, यानी यूएस और इंडिया से दो मिनिस्टर होंगे, और दो मिनिस्टर कौन से होंगे, एक डिफेंस मिनिस्ट्री के होंगे, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से होंगे, ठीक है। तो उनके बीच में जो बातचीत होगी, जो वार्तालाप होगा, उससे उसको बोलते हैं 2+2 डायलॉग। अब क्या है कि रशिया को इससे आपत्ति हो सकती है, ठीक है, क्योंकि रशिया हमारा पहले पार्टनर, हम इंडिया रशिया के ज़्यादा क्लोज था और पाकिस्तान यूएस के ज़्यादा क्लोज था, ठीक है। अब डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन दिस इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो और ये एक टर्म मेंशन है CAATSA, ठीक है, ये काट्सा का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये आपको जो है इसके अलग से नोट्स बनाने हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। ये क्योंकि इंटरनेशनल ये जो है ना इंटरनेशनल रिलेशन नहीं, ये जीएस पेपर 3 से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वैसे ये जीएस पेपर 2 से भी रिलेटेड है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन से भी रिलेटेड है, ठीक है। फिर चलते पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे जो है इंडिया मोस्ट से एक न्यूज़ शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये ना एक पोल कराया गया था, तो उस पोल के रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए कि विमेन सिक्योरिटी के मामले में डिफरेंट जो पोल्स होते हैं, जो सर्वेस कराए जाते हैं, उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, ठीक है। और थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन, जो थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पोल इसी ने करवाया है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब मैं पॉलिटी करवा रहा था तब भी मैंने आपसे एक बार कमेंट बॉक्स में डालने को बोला था कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड कौन है, ठीक है, वो आपको लिखना था। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसमें, लिखा था, सही लिखा था सब लोगों ने। आज इनफैक्ट उनका नाम भी आया हुआ है न्यूज़ में, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, तो ये जीएस पेपर 1 का जीएस पेपर 1 के टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़ है। थैंक यू सो मच।